हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद निदा। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ पालक दाल की रेसिपी। प्रेशर कुकर में हम बनाएंगे पालक दाल, वो भी तड़के के साथ में हम बनाएंगे। और आप लोगों को तो पता ही है कि दाल में कितना प्रोटीन होता है, साथ में हम पालक उसमें डाल रहे हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है पालक में। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो चलिए हम अपनी हेल्दी सा टेस्टी दाल बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अरहर की दाल ली है, इसको तूर दाल भी बोलते हैं। 150 ग्राम मैंने अरहर की दाल ली है, इसको मैंने एक घंटे के लिए भिगो दिया था। और ये मैंने पालक लिया है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके मैंने कट कर लिया है। पालक मैंने लिया है 200 ग्राम। तो अब हम यहाँ पे लेंगे एक प्रेशर कुकर और उसमें हमें डालना है, हमें जितना हमें दाल होता है उसका 3 गुना हमें पानी डालना होता है। तो मैंने यहाँ पे लगभग आधा कप मैंने दाल लिया था, तो उसमें 1.5 कप मैंने पानी डाल दिया है। और अब हम उसमें दाल डाल देंगे। और ये मैंने एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, इसको हम कट कर लेंगे और इसको हम मिला देंगे। और ये मैंने एक मीडियम साइज़ का ही प्याज लिया था, इसको भी हम मिला देंगे। हमें अलग से कोई फ्राई नहीं करना है, बस हमें तड़का ही लगाना है। और ये मैंने 2 हरी मिर्च ली है, इसको मैंने बीच से कट कर लिया है, इसको हम मिला देंगे। और अब हम नमक डाल देंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक डालना है। मैंने 1 चम्मच से कुछ कम नमक ऐड किया, क्योंकि पालक में भी नेचुरल नमक होता है। और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। ये मैंने धनिया मिला दिया है 1/2 चम्मच, ये धनिया पाउडर है। और अच्छे से हम एक चम्मच से इसको मिक्स कर लेंगे, पानी और मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल के साथ में। और अब हमें इसमें मिला देना है पालक। तो अब हम इसमें पालक मिला देंगे। बहुत ही आसान तरीके से बना रहे हैं हम, बहुत ही जल्दी झटपट से ये रेसिपी बन जाती है, बिल्कुल कोई झंझट नहीं होता है। अलग से हमें कोई भी हमें फ्राई वगैरह नहीं करना होता है। तो बस हमें पालक डालकर इसको हमें चम्मच से अच्छे से प्रेस कर देना है, ताकि पालक अच्छे से अंदर मिक्स हो जाए। और हमें इसका तो हमें इसको विसिल आने तक हमें इसको रख देना है अच्छे से, जब तक दाल हमारी गल ना जाए। और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है। तेल से क्या होता है, बॉईल करते टाइम ये थोड़ा सा बाहर नहीं आता है, वैसे तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है, पर हाँ बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो बस इसको हम रख देंगे जब तक अच्छे से दाल गल नहीं जाएगी। तो 2 से 3 सीटी में ये गल जाएगा। पहले आपको फ्लेम हाई रखना है, 1 सीटी लगा लेना है, फिर मीडियम टू लो पे हमें 2 इसको विजिल आने तक और पका लेना है। फिर इसका गैस जो इसका होता है वो अपने से निकल जाए, फिर हमें प्रेशर कुकर को हमें खोल देना है। तो देखिए इसका लिड मैंने खोल दिया है। तो देखिए यह दाल हमारी बहुत अच्छे से गल गई है और पालक भी बहुत अच्छे से गल गया है। पर इसमें क्या हुआ है, पानी थोड़ा सा कम हो गया है, तो हम कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, हम अलग से पानी को पकाकर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, जैसे लग रहा है पालक अलग और दाल अलग है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें एक मैशर लेना है। मैंने ये ओडन का लिया हुआ है, आप चाहें तो जो और आता है उससे भी ले सकते हैं। और इसे हमें बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, इसमें दाल जो हमारा होता है, ये दाल और पालक हमारा अलग अलग नहीं लगेगा, दोनों अच्छे से एक में मिक्स हो जाएगा। तो हमें अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, थोड़ा सा हमें प्रेस दे करना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस दाल को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी मिला देंगे। ध्यान रखिएगा, पानी आप कच्चा मत मिलाइएगा, बॉईल करके ही पानी मिलाइएगा। तो बस पानी हमें मिला देना है, क्योंकि पानी थोड़ा सा कम था, दाल हमारी गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अगर आपको नहीं लग रही तो आप इस पॉइंट पर डायरेक्ट आप तड़का लगा सकते हैं। तो मैंने पानी ऐड किया है, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट के लिए हमें पका लेना है, ताकि पानी का हल्का फुल्का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो जब पानी ये दाल हमारी जब पकने लगे, बस 1 मिनट के बाद हमें खोल कर चेक कर लेना है। फिर हमें ये भुना हुआ जीरे का पाउडर मिला देना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दाल में। तो बस हमें 1 मिनट के लिए और पका लेना है, दाल हमारी बनकर तैयार है। तो बस दाल हमारी तैयार है, मैंने 1 मिनट के लिए और पका लिया था। और अब हम दाल में तड़का लगाएंगे। तो मैंने एक छोटा सा पैन लिया है, जिसमें हमें तड़का लगाना है। तो
तो हम इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड मिला रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल से दाल में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, पर आप चाहें तो रिफाइंड से भी बना सकते हैं। तो ये मैंने लहसुन लिया है, इसको मैंने बारीक सा कट कर लिया था, और एक चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। जब लहसुन का कलर चेंज हो तभी मैं ज़ीरा मिलाना है। और ये मैंने एक सूखा लाल मिर्च लिया हुआ था, इसको बीच से मैंने तोड़ दिया है, और इसको हमें डाल देना है। इसका कॉम्बिनेशन पालक दाल में बहुत ही बढ़िया आता है। तो बस हमें तड़का लगा देना है ऊपर से, और हमें लीड लगा देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि उसकी खुशबू दाल में अच्छे से आ जाए। तो देखिए, पालक दाल हमारी बनकर तैयार है, वो भी विद तड़के के साथ में। बहुत टेस्टी ये दाल बनती है, आप लोग इस सर्दी में ज़रूर ट्राई करिए, और हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए, पालक दाल विद तड़के के साथ में हमारा तैयार है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।